हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो अपडेट लेके आया था वो SRF लिमिटेड पे लेके आया था, और मैंने आपको अपने चैनल पे पहले से वहाँ पे बता दिया था कि ये इसमें एक फॉल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न ये बन रहा है। आज 18 फरवरी 2019 है, आप देखेंगे वैसे ही हुआ। और आज यहाँ पे ये इसने 2196 पे ओपन होते हुए 2201 का हाई बनाया, उसके बाद 2183 का लो बनाया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लो 2183 पे क्लोजिंग दिया, 2163 का लो बनाया और 2200 का हाई बनाया। 52 वीक हाई लो इसका है 1530, हाई है 2446 का। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी अगर इसका हम देखें तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखेंगे तो जहां 2182 की जगह 2183 थोड़ा सा अपर साइड में ऊपर की ओर दे रहा है, और मैं अगर इसके डिविडेंड की बात करूं तो ये एक अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड देती है। 60 रुपये का डिविडेंड, अभी 60% का डिविडेंड 6 रुपये पर शेयर दिया है इसने 11 फरवरी 2019 को। तो इसके पहले इसने 14 अगस्त 2018 को 60 का दिया था डिविडेंड दिया था। अगर इसकी बुक प्राइस वैल्यू वैल्यू तो प्राइस इक्विटी रेशियो 21.81 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.52 मिल रहा है। डिलीवरी इसमें आपको 14-13% का हो रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.55 का फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है। द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर केमिकल एंड पॉलीमर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। ये SRF वैसे में है, टेक्सटाइल बिजनेस में है, पॉलीमर एंड पैकेजिंग फिल्म्स। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13.68 है, रिटर्न ऑन कैपिटल 11.48 है, अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 7.18 है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है। डिविडेंड 0.56 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.23 अच्छा है। डेप्ट 3142 करोड़ है, लेकिन वहाँ पे 4.85 थोड़ा सा कम है। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग परसेंट की बात करूँ तो 52% होल्डिंग के साथ प्रमोटर है, और FII ने अभी बढ़ाया है अपना, म्यूचुअल फंड ने घटाया है। और अभी 1 साल पहले ये प्लीज जो गिरवी रखा हुआ शेयर था इनका, 3% कुछ गिरवी रखा था, वो इसने 2017 में देखेंगे तो ये गिरवी रखा हुआ शेयर था इनका। 3.06% इसका जो था गिरवी रखा हुआ था वो इन्होंने मार्च 2018 में क्लियर कर दिया था। इनसे परफॉर्म कर रही है और अपने गिरवी शेयर को भी छुड़ा रही है, तो कंपनी एज ए बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर एंड विथ हाइस कामा होल्डिंग लिमिटेड 52.28% के साथ है, और अमनसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 7.73% के साथ है। होल्डिंग अच्छा है। रिकमेंडेशन देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने, सुमंत कुमार जी ने 5 फरवरी को इसको 2636 का टारगेट दिया है। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 डे और 1 वीक छोड़ दे तो 1 मंथ 3 मंथ सब देखें, सब ग्रीन में। 1 ईयर YTD, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सब, और 10 ईयर देखें तो 2912%, 5 ईयर देखें तो 916%, 1 साल देखें तो 17%। अच्छा परफॉर्म कर रही है और डिविडेंड भी दे रही है। 6 रुपये पर शेयर एक्स डिविडेंड डिक्लेयर ऑन 14 अगस्त 2018। तो आज ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ दिन से इस पे जो पोजीशन बन रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट 1 वीक से जो देखेंगे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और जो डिलीवरी हो रही है वो सिर्फ 8%, 13%, 12%, 20% इतनी ही हो रही है। प्राइस में जो हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट प्राइस जो क्लोज प्राइस भी 2183 का, वेटेड एवरेज से थोड़ा ऊपर हुआ, अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वेटेड एवरेज से भी यहाँ पे अच्छा हुआ था, और यहाँ 5 लाख जब बना था तो 21,000 से 22,000 आया था, जब 3,73,000 का वॉल्यूम बना तो 22,000 आया, और जब 2 लाख का बना तो 22,000 से 21,000 आया। तो प्राइस फॉल हो रहा है। और अगर मैं इसके डेरिवेटिव में भी बताऊँ तो 1950 पे तो यहाँ पे बाइंग हो रही है, और लेकिन 2000 पे देखेंगे तो आप शॉर्ट हो रहा है, और 2000 पे यहाँ पे देखेंगे 8000 के शेयर 40,000, 50,000, ये बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव में लिक्विडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन डेरिवेटिव एक पोजिशन बताता है। तो ये बता रहा है कि ये 1950 से 2000 तक तो आने के लिए ये तैयार है। 2000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन 1950 में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो 2000 तक ये आने के लिए तैयार है। और 40,000, 50 का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, 12 रुपये 5 पैसे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है।
अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो बार टॉप पैटर्न, लास्ट डबल टॉप पैटर्न बनाया, और यहाँ के बाद ये कल एक फॉल दिखाया, यहाँ के बाद अप नहीं लिया, थोड़ा नहीं ऊपर नहीं गया, और यहाँ से एक फॉल दिखाया और एक फॉल बनाया अभी, और ये हैमर टाइप का पैटर्न है, हैमर पैटर्न बनाया हुआ है। इसके बाद चांसेस है कि ये और एक लेवल बनाएगा, तो 2073 पे इसको एक सपोर्ट है और एक 1971 पे सपोर्ट है। तो नीचे की ओर ये 2073 और 1971 की 75 की ओर जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो डेरिवेटिव में अगर 2000 का कोई भी 12 रुपये का लॉट साइज इसका 500 का है, तो अगर 12 रुपये का कोई भी लेता है तो उसको वहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे इसका लो था 9 रुपये, आज ही इसने हाई बनाया 15 रुपये, 12 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, और ओपनिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 24%। बाइंग 71,000 है और सेलर है 74,500। अपने बाई पे एस आर एफ पे पुट पे, ये पुट है 2000 का 28 फरवरी का, बहुत लोग इस पे है, अभी भी बाइंग 24% से है, लिक्विडेट नहीं आया ज़्यादा, ये एक ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 8,000 का वॉल्यूम ना, तो एक ये कॉन्स्टेंट है। बट नीचे की ओर ये जाने के लिए फ्यूचर में एक शॉर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, और आपको पहला लेवल 2073 का और उसके बाद 1971 का लेवल, ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एस आर एफ अगर लॉन्ग टर्म पोजिशन से बताएं तो ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, और अगर ये आपको लोअर में मिलता है, नीचे किसी कारण से 1600-1800 पे मिलता है, तो आपको ये इस पे एवरेज करके इसको पोजीशन बना के रखना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाया इसका रिटर्न अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है 7.8 कॉन्स्टेंट है, डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है, अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू 17 है, ठीक है, 10 से ऊपर है, 25 से नीचे है, कैश भी जनरेट कर रही है 107 करोड़, 190 करोड़ का है, डेब्ट की बात है 3,142 करोड़ है, तो 1,246 करोड़ का इसका प्रॉफिट भी आता है। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी है, ठीक है, थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रही है, पी रेशियो थोड़ा हाई दिख रहा है, और प्राइस टू कैश फ्लो भी हाई दिख रहा है, तो ये थोड़ा नीचे जाएगी ही क्लोजिंग, एक अगर ये 2,1800 पे आती है तो अच्छा वैल्यू पे ये आपको देखने को मिलेगी। तो एस आर एफ पे शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। आपने खुद देखा मोतीलाल ओसवाल जी ने इसको रिकमेंडेशन जो दिया 2636 का दिया है, एक अच्छा रिकमेंडेशन भी है ये। तो नीचे के लेवल पे ये मिलता है आपको 1800 से 2200 के आसपास, तो आपको वहाँ पे अपने उसी पोर्शन में ध्यान रख करके आपको यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए एसआरएफ को। तो एसआरएफ जो कि आज क्लोज हुआ 2183 पे, चांसेस है 1971 का ये लेवल टच कर सकता है, वहाँ पे आपको एक अच्छी 1900 का भी लेवल टच कर सकता है, तो 1900 लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको वहाँ पे। अभी ये थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है क्योंकि चार्ट पे ये अभी जस्ट सेकेंड फॉल हुआ है, तो अब यहाँ से हैंगिंग पैटर्न है, तो ये होगा, गिरेगा ही गिरेगा, नीचे की ओर जाएगा ही जाएगा, और 2073 और 1971 जैसे लेवल बोला उसको टच करेगा ही करेगा। इसकी 100% नहीं, 400% नहीं, 2000%, 5000% गारंटी है कि नीचे फॉल होगा और ये लेवल को टच करेगा ये। तो एसआरएफ है शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है, लॉन्ग टर्म अच्छा कैंडिडेट है, 2600 के टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हैं। आप ये आपको हो सकता है कि 6 महीने से साल भर के अंदर आपको ये 2600 का टारगेट दिखाते हैं। तो एसआरएफ पे एजुकेशन, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से, मार्केट में कोई भी पोजिशन मेरे कहने से नहीं बनाए, ये मेरा ओपिनियन है सिर्फ, आपको अपने एडवाइजर से बात करके ही कोई भी पोजिशन मार्केट में बनाए, क्योंकि पैसा आपका लॉस आपको हो जाएगा, आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे, ब्लेम मुझे देंगे। तो एसआरएफ पे लॉन्ग टर्म अच्छा हुआ है, शॉर्ट टर्म निगेटिव है, लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज से है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।